नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोटॉक्स पे। दोस्तों, वेबसाइट हम सभी लोगों को जरूरत रहती है, चाहे आप अपनी एक ब्लॉग वेबसाइट तैयार करना चाहते हो या फिर एक एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट बनाना चाह रहे हो या अपने बिजनेस या स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए एक वेबसाइट तैयार करना चाह रहे हो या आप अपना कैरियर शुरू करना चाहते हो जिससे आप एक अपना फुल टाइम या पैरेलल अर्निंग सोर्स तैयार कर सकें वेबसाइट बनाने की सर्विसेज देके। बट हम सभी के दिमाग में एक चीज ये आती है कि वेबसाइट बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग, कोडिंग या डिजाइनिंग की नॉलेज की जरूरत है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज इस वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को ये चीज प्रूव हो जाएगी और मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं ऐसे 4 स्टेप्स अपनी ब्लॉग वेबसाइट पे। उन लिंक्स का फॉलो करके आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बहुत आसानी से बना सकते हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं है, मेरे पास है आप लोगों के लिए 2 ऐसे गिफ्ट्स जो आपको हेल्प करेंगे एक बहुत बढ़िया वेबसाइट बनाने में। वेबसाइट किसी भी कैटेगरी से हो सकती है, किसी भी चीज के लिए हो सकती है। आप वो वेबसाइट बहुत इजीली तैयार कर पाएंगे। अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मेरे वो दोस्त जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि इन्फोटॉक्स के जरिए हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन, ट्यूटोरियल, जिससे कि आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं और सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आप कोई भी काम की इन्फॉर्मेशन या वीडियोस को कभी भी मिस नहीं करेंगे। दोस्तों, ये सारी डिटेल्स बताने के लिए मैं आप लोगों को लेके चलूंगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। बट उससे पहले ये नीचे दिया गया लिंक आप जरूर ओपन कर लीजिए, जिससे कि हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाएंगे कि किस तरीके से आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है और बाद में भी आप इस पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करके अपनी एक प्रोफेशनल बढ़िया वेबसाइट बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों, ये है मेरा कंप्यूटर स्क्रीन और मुझे उम्मीद है कि आपने ये लिंक ओपन कर लिया होगा। इस लिंक में सबसे पहला स्टेप है, आप अपनी वेबसाइट के लिए एक नेम लेके आएंगे या फिर आपने अपनी वेबसाइट के लिए कोई टॉपिक डिसाइड किया है। अगर मान लीजिए वेबसाइट आप अपने बिजनेस या स्टार्टअप के लिए बनाना चाहते हैं तो आपका नाम ऑलरेडी डिसाइडेड होगा। अगर आप अपनी एक ब्लॉग वेबसाइट शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक एरिया, टॉपिक या फील्ड आपको डिसाइड करनी है, जिसको हम नीश बोलते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 वीडियोस दिए हैं, हिंदी में भी वीडियो है और इंग्लिश में भी वीडियो है। तो आप इसका यूज करके बहुत इजीली अपना एक ब्लॉग टॉपिक या एरिया डिसाइड कर सकते हैं। इसके अंदर स्टेप्स बताए गए हैं, बहुत आसान स्टेप्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपका टॉपिक या नीच डिसाइड करने में। एक बार आपका नीच डिसाइड हो गया तो नेक्स्ट स्टेप आता है डोमेन नेम सेलेक्ट करना। और एक बहुत अच्छा डोमेन नेम आपको हेल्प करता है एक वेबसाइट को रैंक कराने में, एक ब्लॉग को रैंक कराने में। तो उसके लिए भी मैंने आप लोगों को कुछ टिप्स दिए हैं जो कि मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हैं। इसके लिए मैंने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में वीडियोस बनाए हैं। तो आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उस चीज का वीडियो वॉच करिए और एक परफेक्ट डोमेन नेम डिसाइड करिए। एक बार आपका डोमेन नेम डिसाइड हो गया तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप उसको सर्च करिए कि वो अवेलेबल है कि नहीं। जब भी आप डोमेन नेम डिसाइड करिए तो कुछ ऑप्शंस डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको डोमेन नेम एग्जैक्टली जो आप चाह रहे हो वो अवेलेबल हो या ना हो। तो चेक अवेलेबिलिटी वाले लिंक पे क्लिक करके अब आप ये चेक कर सकते हैं कि ये डोमेन अवेलेबल है। अगर ये डोमेन नेम अवेलेबल है तो आप तुरंत उसको बुक करिए, बिल्कुल देर मत लगाइए। क्योंकि मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि डोमेन ऐसी चीज है कि जरूरी नहीं है कि आज आपने चेक किया और अवेलेबल है और कल भी वो इसी तरह से अवेलेबल रहे। तो आप तुरंत अपना डोमेन नेम बुक करिए। तो ये था हमारा स्टेप 1। इसके बाद हम मूव करते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 4 पे पहुंच के आप अपनी फ्री ईबुक को क्लेम करना मत भूलिएगा, जो कि 1999 रुपीस की है और मैं कंप्लीटली फ्री दे रहा हूं इस प्रोसेस में जो भी लास्ट तक पहुंचेगा और उसको क्लेम करेगा। इसके अलावा भी आप लोगों के लिए गिफ्ट है, उसके बारे में मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। स्टेप 2 है गेट अ होस्टिंग फॉर योर वेबसाइट। अब आपने डोमेन तो ले लिया बट आपकी जो वेबसाइट जो आप डिजाइन करेंगे, जो पेजेस होंगे, जो आपके इमेजेस होंगी, वो सारी कहाँ पे प्लेस्ड होंगी। तो उसके लिए हमें चाहिए होती है एक होस्टिंग। तो होस्टिंग के लिए मैं आप लोगों को 2 ऑप्शंस दे रहा हूँ जो कि बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस हैं और ये मेरे 16 ईयर्स के एक्सपीरियंस से मैंने इन चीज़ों को स्टडी किया है। उसके बाद भी अगर आप जानना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर होस्टिंग अच्छी है कि नहीं, तो उसके लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है trustpilot.com। तो trustpilot.com पे जाके आप उस पर्टिकुलर होस्टिंग कंपनी का नाम टाइप करके
बहुत इजीली उनकी रेटिंग और रिव्यू जान सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ खाली लर्नर्स के लिए, जो लोग अर्निंग करने की सोच रहे हैं या अपने बिजनेस के लिए सोच रहे हैं वो इसको बिल्कुल ना ऑप्ट करें, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो अवेलेबल नहीं है। ऑल्दो इसकी कॉस्ट कुछ कम है बट कंपेरेटिवली इसकी कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, जैसे कि इसके अंदर SSL नहीं है, ईमेल नहीं है, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत रहती है अगर आप एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं जिसको आपको अपने बिजनेस के लिए यूज करना है या फिर आपको उससे अर्निंग करनी है एक ब्लॉग बना के या एफिलिएट बना के। उसके लिए ऑप्शन टू जो कि एक प्रीमियम होस्टिंग है जो कि बहुत ही बेहतरीन होस्टिंग है। इसके अलावा आप लोगों के दिमाग में एक क्वेरी आती होगी कि अभी तो यहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा बट नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर के लिए हम आप लोगों को इसी तरह की होस्टिंग प्रोवाइड कराएंगे बिल्कुल सेम प्रोवाइडर की, और वो भी सेम कॉस्ट पे, आपको उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ेगी, और इसके लिए हमने ऑलरेडी होस्टिंग प्रोवाइडर्स से टाई अप कर रखा है। तो ये था हमारा स्टेप टू, अब हम चलते हैं अपने स्टेप थ्री पे। तो गाइस स्टेप टू हमारा पूरा हो गया, स्टेप टू पूरा होने के बाद आपके पास आ जाता है एक डोमेन और एक होस्टिंग। तो आप ये जानना चाह रहे होंगे कि इस डोमेन और होस्टिंग को हम किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, तो आइए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि इस डोमेन और होस्टिंग को हम किस तरीके से बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस जब आप अपने डोमेन के कंट्रोल पैनल पे लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ आपका डोमेन इस तरीके से दिखेगा, और आप इसको मैनेज करने के लिए क्लिक करेंगे इस लिंक पे जो कि है मैनेज। जब आप मैनेज लिंक पे क्लिक करेंगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन कर जाएंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके पास आएगा मैनेज DNS। मैनेज DNS पे क्लिक करते ही आपके पास नेम सर्वर्स का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, और यहाँ चेंज पे क्लिक करने के बाद ये जो नीचे आपको दो लाइंस दिख रही हैं ये होते हैं आपके नेम सर्वर्स। चेंज पे क्लिक करने के बाद आप इनको चेंज कर सकते हैं, बट अब क्वेश्चन ये आता है कि नेम सर्वर्स आपको मिलेंगे कहाँ से। तो जो आपने होस्टिंग परचेज किया है, जब आप होस्टिंग के क्लाइंट एरिया में लॉग इन करेंगे तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि किस तरीके से वो क्लाइंट एरिया दिखेगा और आपको ये नेम सर्वर्स की वैल्यू कहां पे मिलेगी। तो गाइस क्लाइंट एरिया कुछ इस तरह से दिखेगा, और इसमें आप क्लिक करेंगे अकाउंट डिटेल्स पे। जब आप अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपके आ जाते हैं नेम सर्वर्स। तो ये जो हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ये आप देखिए ये हमारे नेम सर्वर्स है, और ये चार नेम सर्वर्स इस होस्टिंग में दिए गए हैं क्योंकि ये प्रीमियम होस्टिंग है, और इन नेम सर्वर्स को आप जाकर के वहां पे मेंशन कर सकते हैं कि हमने पहले दिखाया था। आप चेंज पे क्लिक करेंगे, और चेंज पे क्लिक करने के बाद आप बहुत आसानी से इसके अंदर ये नेम सर्वर्स प्लेस कर पाएंगे। तो गाइस जैसे ही हम नेम सर्वर्स अपडेट कर देते हैं तो 24 घंटे से 48 घंटे वैसे कहा जाता है, बट मेरी इसमें टिप ये है कि आप अगर इवनिंग में इसको करते हैं तो अगले दिन मॉर्निंग तक ये इजीली नेम सर्वर्स अपडेट हो जाते हैं और आपकी वेबसाइट आपको विजिबल हो जाती है। तो अब हमारे नेम सर्वर्स कनेक्ट हो गए और हमारी वेबसाइट अब इजीली कॉन्फ़िगर हो सकती है। तो आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें एक थीम सेलेक्ट करना है जो कि मैंने स्टेप थ्री में दिया है। इसके अंदर मैंने कुछ बहुत अच्छे थीम्स आप लोगों के लिए सजेस्ट किए हैं जो कि मैंने खुद से इस्तेमाल किए हैं। इसमें एक थीम है जिसका नाम है एस्ट्रा, जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। मैं एस्ट्रा आप लोगों को क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ उसको अभी हम देखेंगे। इसमें मैंने आप लोगों को ये बताया है कि किस तरीके से हम वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, उसका मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। उसके अलावा आप थीम को भी इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस में, उसके लिए भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है जिसको हम अभी देखेंगे कि किस तरीके से हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं और थीम को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए मैं लेके चलता हूं आपको अपने क्लाइंट एरिया पे, जहां हम ये देखेंगे कि वर्डप्रेस हम किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपकी होस्टिंग का क्लाइंट एरिया कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसके अंदर की बटन दिखेगा सी पैनल लॉगिन। तो सी पैनल पे क्लिक करते ही कुछ सी पैनल आप लोगों को इस तरह से दिखेगा। अगर आप गोडैडी की होस्टिंग भी यूज कर रहे हैं तो उसमें या किसी और होस्टिंग में जहां पे भी सी पैनल है, सी पैनल बिल्कुल सेम होता है, उसमें बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे वर्डप्रेस A2 ऑप्टिमाइज पे, इससे आपका पैनल ओपन हो गया जहां पे हम अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉल करने के लिए बहुत सिंपल है, आप यहां पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, और गाइस जब आप इंस्टॉल करेंगे इसको तो उसके अंदर वो आप लोगों से पूछेगा एक एडमिन यूजर नेम जो कि आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं, जिसको कि आप याद रख सकें। मैं नॉर्मली इसको अपना डोमेन नेम रख लेता हूं जिससे कि मुझे कभी भी इसको याद करने में दिक्कत नहीं हो। तो गाइस हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है और इसके बाद हम साइट बनाना देखेंगे। तो देखिए ये हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है, और अब हम चलेंगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे और आगे की वेबसाइट या आगे के प्रोसेसेस देखेंगे। तो वर्डप्रेस के लिए आपका डोमेन नेम /wp-admin जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक मेरा डोमेन है brainbodysoul.in।
इसके अंदर wp-admin ऐड करके आपका लॉगिन पैनल खुल जाता है, जिससे कि आपने जो अभी यूजर नेम पासवर्ड दिया था वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के टाइम, उसको यूज करके आप वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में लॉगिन कर जाएंगे। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट किस तरह की लग रही है अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद। देखिए वेबसाइट मेरी लाइव हो गई है और ये डिफॉल्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरह की दिखेगी। आगे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, जैसे हम इंस्टॉलेशन में चेंजेस करेंगे, जो हमने थीम सेलेक्ट किया है जो कि वेबसाइट का डिजाइन होता है उसको हम इंस्टॉल करने के बाद देखेंगे किस तरह से ये वेबसाइट लगती है। देखिए ये मेरा वर्डप्रेस का लॉगिन पैनल है और यहाँ यूजर नेम पासवर्ड जो हमने एडमिन का सेट किया था उसको सेट करके लॉगिन कर जाएंगे। तो आइए एक बार चलते हैं फिर से हमारे स्टेप्स पे और देखते हैं कि हम किस स्टेप तक पहुंचे। तो स्टेप 3 के अंदर हमारा है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, जिसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चीज आती है वर्डप्रेस का थीम इंस्टॉल करना। थीम आपने सेलेक्ट कर लिया है, एक्स्ट्रा थीम मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ और मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों मैं उसको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो आइए चलते हैं देखते हैं किस तरीके से हम थीम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस पैनल में। और इसके बाद दोस्तों आता है स्टेप 4 और स्टेप 4 पे बिल्कुल मत भूलिएगा अपना गिफ्ट क्लेम करना। और एक और गिफ्ट है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा जैसे ही मैं आप लोगों को कंप्लीट वेबसाइट डिजाइनिंग बता देता हूं। हर पेज में मैंने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दी है जिसके अंदर मैंने वो सारी चीजें जो लिखी हैं उनको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो दोस्तों ये आ गया है हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड और इसके अंदर यहाँ ऑप्शन होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस में होता है थीम्स। दोस्तों ये आ गया अपीयरेंस सेक्शन, अपीयरेंस में आ गया थीम्स। थीम्स में हमें क्योंकि नया थीम ऐड करना है, कुछ डिफॉल्ट थीम्स इसमें दिए होते हैं अगर हमें वो नहीं चाहिए तो हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू पे। गाइस ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे डिफॉल्ट ऑप्शंस आते हैं, आप अपनी वेबसाइट अपनी कैटेगरी अपनी इंडस्ट्री बिजनेस के हिसाब से इसमें बहुत सारे थीम्स इजी ले सकते हैं। बट मैं आज आप लोगों को बताऊंगा एक्स्ट्रा थीम जिसको हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। और मान लीजिए कोई ऐसा थीम है जो आप परचेज कर रहे हो, आप उसको सेपरेटली इंस्टॉल करना चाहते हो, आपको यहाँ सर्च में नहीं मिला है, तो सिंपल सी चीज है आप अपलोड थीम पे क्लिक करके जो थीम की फाइल आपको मिली है परचेज करने पे एक .zip फाइल मिलती है उसको यहाँ आप अपलोड कर दोगे और वो थीम इंस्टॉल हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे ये थीम नजर आ रहे हैं। एक बार थीम इंस्टॉल हो जाता है तो हम उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो आइए इसको कर लेते हैं इंस्टॉल और फिर एक्टिवेट करके देखते हैं नेक्स्ट। तो गाइस ये थीम एक्टिवेट भी हो गया है और यहाँ ऑप्शन दे रहा है कस्टमाइज का, तो हम कस्टमाइज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं थीम की कुछ डिटेल्स, तो उसके लिए यहाँ पे एक आपको ये ऑप्शन दिख रहा है थीम डिटेल्स, तो आप इस पे क्लिक कर देंगे। तो इसके अंदर दोस्तों एक्स्ट्रा ऑप्शंस में एक बार आप जाएंगे, तो एक्स्ट्रा ऑप्शंस के अंदर एक्स्ट्रा थीम मैं आप लोगों को क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन टेम्पलेट्स आते हैं जिनमें आप सिर्फ उस टेम्पलेट को एड करके जो कि आपकी चॉइस का है आप सिंपली कंटेंट चेंज कर सकते हो और आपकी वेबसाइट तैयार हो जाती है बहुत आसानी से। इससे आपको किसी डिजाइनिंग की नॉलेज की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो प्री डिजाइन टेम्पलेट्स हैं, आपको सिर्फ अपना लोगो इमेजेस और कंटेंट चेंज करना है और आप तैयार कर लेते हैं एक बेहतरीन साइट बिना डिजाइनिंग की नॉलेज के। कोडिंग की नॉलेज की जरूरत नहीं है, ये तो अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि वर्डप्रेस ऐसा CMS है जिसके अंदर बिना कोडिंग की नॉलेज के स्टेप बाय स्टेप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप वेबसाइट बना सकते हैं जो कि हम अभी तैयार करने जा रहे हैं। तो गाइस अब आप ये देख रहे होंगे इसके अंदर ये बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है एक्स्ट्रा प्रो के अंदर जो अवेलेबल है। और जो मेरा अगला गिफ्ट है आप लोगों के लिए वो है एक्स्ट्रा प्रो का प्लगइन जो कि मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री दे रहा हूं। ऐसे आप जाके इसको सर्च कर लीजिएगा, ये $59 का प्लगइन है बट एक्स्ट्रा प्रो से आपको कुछ अच्छे थीम्स एनेबल हो जाते हैं जो कि आप इसके अंदर इजीली यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये जितने सेक्शंस आप देख रहे हैं इन सेक्शंस को आप एनेबल कर लेंगे। तो आइए पहले एक्स्ट्रा का वो प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं उसको देख लेते हैं। और जो आपको ये दिख रहा है लर्न मोर ये आपको नहीं दिखेगा एक बार हम प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे। तो प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्लगइन्स का ऑप्शन है उसमें जाएंगे और आप क्लिक करेंगे ऐड न्यू। यहाँ हम अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे और जो प्लगइन की फाइल आप लोगों को मेरे थ्रू मिलेगी कैसे मिलेगी वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बट आइए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, ये प्लगइन की फाइल है, इसको मैंने सेलेक्ट करके क्लिक कर दिया इंस्टॉल नाउ पे। गाइस ये हमारा प्लगइन भी एक्टिवेट हो गया है। अब हम चलेंगे सेटिंग्स पे इस प्लगइन की और हमें सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि हमारे पेड ऑप्शन से जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था। अब आप देखिए ये सारे ऑप्शंस में लर्न मोर आ रहा था, अब इसके अंदर एक्टिवेट आ गया है तो बाकी सारी चीजें आप एनेबल कर सकते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले एक्टिवेट करेंगे साइट लेआउट क्योंकि हमें साइट का एक लेआउट चाहिए जो कि एक प्रीमियम लेआउट है। गाइज इसको एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आप लेफ्ट में देख रहे होंगे स्टार्टर टेम्पलेट्स, तो स्टार्टर टेम्पलेट्स पे क्लिक करके आपको वो सारे
प्री डिफाइंड टेम्पलेट जो कि आपको एक्स्ट्रा दे रहा है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। इसमें आपसे ये पूछेगा कि कौन सा पेज बिल्डर सेलेक्ट किया जाए, तो इसमें मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप एलिमेंटर करिए। एलिमेंटर के अंदर बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं और उसको हम बहुत इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आप जो भी पेज बिल्डर सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको टेम्पलेट दिखाएगा। आप कोई और पर्टिकुलर पेज बिल्डर सेलेक्ट करना चाहें तो उसको भी आप इजीली कर सकते हैं। गाइज आप लोग देख रहे हैं ये कितने सारे टेम्पलेट्स हमारे ओपन हो गए हैं। तो यहाँ से गाइज आप बहुत इजीली अपने पसंद का टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं बहुत इजीली। मेरा डोमेन हेल्थ से रिलेटेड है तो मैंने यहाँ पे हेल्थ डाला। तो हेल्थ डालने के बाद मेरे पास कुछ टेम्पलेट्स आ गए हैं जिसमें से मैं कोई भी एक टेम्पलेट लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये न्यूट्रिशनिस्ट टेम्पलेट सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि इम्पोर्ट कंप्लीट साइट या इम्पोर्ट होम पेज टेम्पलेट। अगर आप खाली होम पेज टेम्पलेट लेना चाहते हैं तो आप उसको ले सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कंप्लीट साइट ले लें। और आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से उस साइट को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हम क्लिक करेंगे इम्पोर्ट कंप्लीट साइट पे और ये कंप्लीट साइट विद कंटेंट और जितने भी पेजेस इसमें बने हैं वो इम्पोर्ट हो जाएंगे। गाइज ये वेबसाइट इम्पोर्ट हो गई है और अब हम देख लेते हैं साइट ये किस तरह की लग रही है इम्पोर्ट होने के बाद। देखिए इनिशियली गाइज मैंने आप लोगों को ये वेबसाइट दिखाई थी तो वो वेबसाइट कुछ इस तरह की दिख रही थी, बट जैसे ही हमने ये साइट का टेम्पलेट डाल दिया उसके बाद आप देखिए कंप्लीट वेबसाइट हमारी तैयार हो चुकी है। इसके अंदर जो भी ये कंटेंट है इसको हम बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं और हम अपनी एक वेबसाइट बढ़िया डिजाइनर वेबसाइट तैयार कर लेंगे। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसका कंटेंट हम कितनी आसानी से चेंज कर सकते हैं। कंटेंट चेंज करने के लिए सबसे पहले हम आएंगे ऑप्शन कस्टमाइज के अंदर और हम स्टार्ट करेंगे लोगो चेंज करने से लेकर के। उसके बाद मैं आप लोगों को हेडर और फुटर भी चेंज करके दिखाऊंगा और बाकी सारी चीजें भी बताऊंगा। गाइस कस्टमाइज में आप आएंगे हेडर के ऊपर। हेडर में आएंगे हम साइट आइडेंटिटी पे। यहाँ आप देख रहे हैं एक पुराना लोगो लगा हुआ है जो कि टेम्पलेट के साथ आया था, इसको हम चेंज करते हैं। हम क्लिक करेंगे चेंज लोगो पे। तो ये एक लोगो मैंने ऑलरेडी बना रखा है जिसको आप बहुत इजीली कैनवा के थ्रू बना सकते हैं। अगर आपके पास लोगो नहीं है, कैनवा के थ्रू लोगो बनाने से रिलेटेड भी मैंने वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाए हैं जो भी एक बहुत इजी टास्क है, आप बहुत आसानी से खुद से कर सकते हो। तो देखिए गाइज ये लोगो आ गया है यहाँ पे और हम इसको बाद में अपनी साइट पे रिफ्रेश करके भी देखेंगे। आप गाइज साइट टाइटल चेंज कर सकते हैं और इसके बाद इसको पब्लिश करना मत भूलिएगा क्योंकि पब्लिश करने से आपका ये पर्टिकुलर चेंज सेव हो जाएगा। तो गाइज लोगो हमारा चेंज हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका हम कंटेंट किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो जो हमारे डिफॉल्ट पेजेस कंटेंट के साथ बने हुए हैं उनके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है पेजेस। तो पेजेस में जाकर के हम ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे और हमें जिस भी पेज के अंदर चेंज करना है या अगर हमें कोई पेज नहीं चाहिए तो हम उसको क्लिक करके ट्रैश पे क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमें उसको एडिट करना है तो जैसे मैं इस होम पेज को एडिट करना चाहता हूं और ये पर्टिकुलर पेजेस जो इसमें बने हैं वो एलिमेंटर में बने हैं तो एलिमेंटर में चेंज करने के लिए हमें क्लिक करना होगा एडिट विद एलिमेंटर पे। गाइस ये देखिए मेरा एडिट मोड में ओपन हो गया है और अब इसको हम फटाफट चेंज करके देख लेते हैं। जैसे मुझे ये टेक्स्ट कंटेंट चेंज करना है तो मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट कंटेंट चेंज कर दिया। इसके बाद मैंने कुछ कंटेंट बना रखा है तो मैं ये कंटेंट भी अपना प्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में ऑप्शन आ गया, इसके अंदर मैं ये कंटेंट प्लेस कर दूंगा। तो ये नेक्स्ट कंटेंट भी मेरा चेंज हो गया और बाकी का मुझे ठीक लग रहा है हेडर के अंदर। नेक्स्ट है ये इमेज जो कि मुझे चेंज करनी है। तो जब हम इस इमेज के यहाँ एडिट इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चूज इमेज का ऑप्शन आएगा। अगेन मुझे ये इमेज अपलोड करनी पड़ेगी क्योंकि ये इमेज मेरे पास नहीं है जो मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो मैंने एक ये इमेज डाउनलोड करी हुई है, इस इमेज को मैंने इंसर्ट किया और ये इमेज हो गई ऐड। तो आप देख रहे होंगे कि ये इमेज भी हमारी चेंज हो गई। तो इस तरीके से हमारा ये हेडर चेंज हो गया, लोगो हमारा चेंज हो चुका है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फुटर किस तरीके से हम चेंज करते हैं। एलिमेंटर पे मेरा वर्क खत्म हो जाएगा तो मैं यहाँ लेफ्ट में क्लिक करके एग्जिट टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर दूंगा। तो गाइज अगर मुझे फुटर में चेंज करना है तो इसके अंदर एक ऑप्शन होता है इस प्लगइन में जिसको हम कहते हैं हेडर एंड फुटर बिल्डर। तो हेडर फुटर बिल्डर के अंदर हम जाकर के हम अपना हेडर भी और फुटर भी चेंज कर सकते हैं। ऑल दो हेडर हमारा एलिमेंटर में ही बना हुआ है इसीलिए हमें फुटर चेंज करने की जरूरत है। फुटर इसमें इसलिए बनाया जाता है क्योंकि फुटर हर जगह कॉमन रहता है। तो एक बार हमने इसमें फुटर बना दिया तो उसके बाद इस शॉर्ट कोड का यूज करके जो भी हम नया पेज बना रहे हैं उसमें हम बॉटम के अंदर इस शॉर्ट कोड को प्लेस कर देंगे और हमारा फुटर तैयार हो जाएगा। तो आइए फुटर को भी हम एडिट कर लेते हैं। तो गाइस ये हमारा फुटर ओपन हो गया है और यहाँ फुटर पे एडिट करने के लिए भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ।
यहाँ से सोशल लिंक्स हैं, अगर आप सोशल लिंक्स चेंज करना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर विजेट पे क्लिक करके अपने सोशल लिंक्स का यहाँ पे आप हैंडल दे सकते हैं। तो जो भी आपके सोशल लिंक्स हैं उनका हैंडल आप यहाँ से इजीली दे पाएंगे, और यहाँ से आपका जो भी एड्रेस है आप उसको इजीली एडिट कर सकते हैं। और फाइनली आप क्लिक कर देंगे अपडेट पे, और आइए हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी दिखती है। गाइस आपने देखा हमारी वेबसाइट कम्प्लीटली चेंज हो गई, हमारा लोगो चेंज हो गया, कंटेंट इमेज चेंज हो गया, और उसके अलावा हमारा फुटर भी चेंज हो गया। इसके बीच का जो भी कंटेंट है वो आप बहुत इजीली जाके पेजेस में एलिमेंटर के अंदर, जैसे मैंने आप लोगों को हेडर फुटर बताया उस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। दो स्टेप्स और हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, तो आइए उसको भी हम देख लेते हैं। तो एक स्टेप है मेन्यूज। मेन्यूज मतलब जो भी ऑप्शंस आते हैं, जैसे अबाउट, प्रोग्राम, सक्सेस स्टोरीज, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं या इसमें से कुछ हटाना चाहते हैं तो उसको हम देख लेते हैं। और दूसरा मैं आप लोगों को बताऊंगा पोस्ट। तो अपीयरेंस में आप जाएंगे मेन्यूज के अंदर, और मेन्यूज के अंदर आपको जितने भी मेन्यूज हैं आप उसको चेंज कर सकते हो, हटा सकते हो। देखिए ये सारे मेन्यूज दिख रहे हैं, अगर मैं चाहता हूं कि ये कोई पर्टिकुलर मेन्यू मुझे नहीं रखना है तो मैं यहां से इस मेन्यू को रिमूव कर सकता हूं। जैसे मैंने यहां से प्रोग्राम रिमूव किया और मैंने यहां पे सेव कर दिया, तो आपको ये प्रोग्राम्स मेन्यू जब मैं आपकी वेबसाइट रिफ्रेश करूंगा तो ये नहीं नजर आए। तो आप अगर कोई मेन्यू ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे सारे मेन्यूज आपके दिख रहे हैं। मेन्यू इसके ऊपर बेस्ड होते हैं कि आपने क्या क्या पेजेस बनाए हुए हैं, तो जब भी आप यहाँ पे पेजेस बनाते रहेंगे तो पेजेस के हिसाब से यहाँ मेन्यूज ऐड होते जाएंगे, और मेन्यू का जो मेन नाम होगा वो जो कि पेज का नाम है वो होता है, और आप यहाँ पे उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ ऐड कर सकते हैं। आप इनकी सीक्वेंसिंग भी चेंज कर सकते हैं, तो इस तरह से आप बहुत इजीली मेन्यू मैनेज कर सकते हैं। और फाइनल चीज आती है पोस्ट। तो पोस्ट आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, जो लोग लॉग इन करना चाह रहे हैं वो इजीली यहाँ से पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आप एग्जिस्टिंग पोस्ट को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग पोस्ट के अंदर अपना कंटेंट और इमेजेस चेंज कर सकते हैं। कुछ सैंपल के लिए इन्होंने कुछ पोस्ट दी हुई है जस्ट फॉर अ टेम्पलेट से, जिससे कि आप इजीली समझ पाएंगे कि वो टेम्पलेट किस तरीके का लग रहा है। तो गाइस इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि कितनी आसानी से हमने एक वेबसाइट तैयार कर ली, जिसको आप तैयार कर सकते हो अपने किसी भी पर्पस से, जैसा कि हमने इनिशियली डिस्कस किया। अब बारी आती है जो मेरा गिफ्ट है उसकी, आप किस तरीके से उसको क्लेम कर सकते हो। उसके लिए हम दोबारा से अपने स्क्रीन पे चल के देख लेते हैं कि हम किस तरीके से अपना गिफ्ट क्लेम कर सकते हैं। तो गाइस जैसे हमारा ये फाइनल स्टेज आ गया, फाइनल स्टेज पे हमने एक्स्ट्रा का जो प्लगइन मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ एज अ गिव अवे, वो हम इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम डेमो कंटेंट लाएंगे जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और लास्ट हम एडिट करेंगे अपनी वेबसाइट को, जिसको मैंने आप लोगों को बताया है कि कितनी आसानी से आप फटाफट अपनी वेबसाइट को एडिट कर सकते हो बिना किसी डिजाइनिंग या कोडिंग की नॉलेज रखे। सिर्फ आपको अपना कंटेंट चेंज करना है प्री डिजाइन टेम्पलेट के अंदर, और आपकी एक खूबसूरत वेबसाइट रेडी हो जाएगी। अगर आपको ये ईबुक चाहिए, जो कि स्टेप 4 पे मैंने आप लोगों को बोला था, ये एक बहुत अच्छी ईबुक है जिसके अंदर मैंने, और इसके बाद आप किस तरीके से अपने ब्लॉग वेबसाइट को कॉन्फ़िगर कर सकते हो मैंने बताया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, इंक्लूडिंग सो मेनी वीडियोस इन इट। तो आप क्लिक करोगे यस आई वांट द ईबुक के ऊपर, और आप अपनी डिटेल्स फिल करके, इसके अंदर डिस्काउंट कोड ऑलरेडी लगा हुआ है तो आपको कुछ भी पे नहीं करना है, और ये ईबुक आपके ईमेल पे आ जाएगी। तो अपना ईमेल जरूर चेक करिएगा, स्पैम बिन भी चेक कर लीजिएगा, कई बार जो ईमेल्स हैं वो स्पैम में चली जाती हैं, और ये क्लेम करने के बाद तुरंत ही जा करके अपना ईमेल चेक कर लीजिएगा और अपनी ईबुक को उस पे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत आती है, आपको ईबुक नहीं मिलती है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी के ऊपर, या फिर नीचे दिए गए फॉर्म के अंदर आप इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। और दूसरे गिफ्ट की बारी आती है, अगर आपको एक्स्ट्रा का प्लगइन चाहिए तो आप अपना नेम और डिटेल्स डाल के यहाँ पे क्वेरी के अंदर आप डाल देंगे कि यू नीड दैट एक्स्ट्रा प्लगइन, तो आपको हमारे तरफ से एक ईमेल आ जाएगा, इट इज अ गिव अवे। तो आपको कुछ भी नहीं है, दो तीन एक्शंस लेने हैं जो कि आप मिनटों में ले लेंगे बिना किसी कॉस्ट के, और उसके बाद आपको आपका प्लगइन आपके ईमेल पे मिल जाएगा। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया है कि किस तरीके से हम बहुत आसानी से अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, ना ही किसी कोडिंग की नॉलेज की जरूरत है, ना ही हमें ग्राफिक डिजाइनिंग की नॉलेज की जरूरत है। तो गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिएगा, उससे दूसरे लोगों की भी हेल्प हो पाएगी। लाइक जरूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो उसको तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और काम के वीडियोस, टूल्स और प्लगइन्स मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा जिसको आप कभी भी मिस नहीं करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।